लखनऊ की सरजमी ये 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 रंग रूप का चमन ये हुस्न इश्क का वतन यही तो वो मकाम है जहाँ अवध की शाम है जवां जवां हंसी हंसी ये लखनऊ की सरजमी ये लखनऊ की सरजमी शबाब शेर का ये घर ये अहले इल्म का नगर है मंजिलों की गोद में यहाँ हर एक राह गुजर ये शहर लाल आजार है यहाँ दिलों में प्यार है जिधर नजर उठाइए बहार ही बहार है कली कली है नाजनी ये लखनऊ की सरजमी ये लखनऊ की सरजमी यहाँ की सब रवायतें अदब के शाहकार हैं अमीर अहले दिल यहाँ गरीब जानिसार हैं हर एक शाख पर यहाँ है बुलबुलों के कह कहे गली गली में जिंदगी कदम कदम पे कह कहे हर एक नजारा दिल नशी ये लखनऊ की सरजमी ये लखनऊ की सरजमी ये लखनऊ के सर जमी ये लखनऊ के सर जमी हो गया तो मुझे भी पिटवाओगे और खुद भी पिटो। अमन नहीं यार कमबख्त तमीजन ने यही मिलने को कहा था उसी को देख रहा हूँ एक गिलास पानी दीजिए। अमन तुम ये क्या मजाक है इसलिए लीजिए आपकी कम से कम इतना तो होश रखा कीजिए। ये ला मेरी पहुंची। हाय हाय इस पर खुदा की मार ये मुआ भीख मांगने के बहाने यहाँ ये कर रहा था। अरे बेटा पर कर दो जूती और लगा मेरी तरफ से। जाने दीजिए गरीब है बेचारा। चलो जी तेरे बेटा कहा भाई होश में आओ यार। सुभान खुदा आबाद रखे लखनऊ को फिर गनीमत है नजर कोई ना कोई अच्छी सूरत आ ही जाती है। जी अमा शादा कुछ तुमने भी देखा? देखूं किसे जिसने वादा किया था वो तो आई नहीं। अमा उसे छोड़ो इसे देखो इसे खुदा की कसम क्या लड़की है। अमा देखो देखो वो रुकी और फिर निकाब लौटती आज जैसे स्याह बादलों से चौधरी का चांद निकला है।
लीजिए आप ही रखिए। तो चल गई छुरी दिल पर। कौन है ये? सीआईडी तो हूँ नहीं, के इतने बड़े शहर में सबको जानू। नहीं भाई, इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा। अच्छी बात है, ए चलो पीछा किए लेते, इसका तो क्या इसके बाप का भी पता लगा लेंगे। आओ ठहरिए साहब, ठहरिए। क्या आपने किसी पाकिट मार को पकड़ा था? हाँ। और उसको छोड़ दिया? तो और क्या करते, वो पकड़ा गया है, चलकर गवाही दे दी। अरे बाबा, हम लोग इस झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, तुम जानो तुम्हारा काम। नहीं साहब, आप लोग नहीं जा सकते। अरे भाई जाने दो, घर के लोग जा रहे हैं। उनको जाने दीजिए, फांसी तो चौकी है, चलकर बयान दे दीजिए, वरना आप पर भी जुर्म आयद होगा। लो ये की रही, अम्मा चलो ये लोग नहीं मानेंगे। मगर वो उनको तो घर ही जाने दो, वरना ये लोग घर पहुंचेंगे और हम लोग जेल खाने। चलो अगली जुमेरात को मेरा जिम्मा। चलो चलो भाई चलो। क्या मुसीबत? अरे अरे कौन माइक, क्या करो, किसको पकड़ रही हो? शेदा मैं हूँ। तमीजन तुम यहाँ कैसे? मैं तो तुम्हें मेले में ढूंढ रहा था। आई थी इसी गरज से, लेकिन खुदा गारत करे इस मुए को, इसने मेरा बटवा मार दिया। अच्छा हाँ। तुम घर चलो, मैं इस दाते शरीफ को ठीक करता हूँ, जाओ जाओ। कौन है भाई? अच्छा तो आप है। क्यों बे, आज शायद कंपनी के पीछे लगा हुआ है। मुंशी जी लिखिए मेरी गवाही, ये वो नालायक जेब कतरा। जनाब का इस्म ग्रामी? मिर्जा मसरत बेग शैदा। और वालिद बुजुर्ग? खान साहब मिर्जा फरद बेग। अच्छा तो आप हमारे दरोगा जी के साहबजादे हैं? जी हाँ। मोहल्ले के जूते इकट्ठा कर रखे हैं। दीजिए, बिस्मिल्लाह हो गई। खबरदार भागने न पाए। रमजानी पकड़ ला बदमाश को मेरे पास। चाहिए मियां, खुदा के लिए चाहिए। जल तो जलाल तो साहिब कमाल तो आई बला, ये बला नहीं टलेगी। दिखाई देते हैं अब बहुत, मुझे तो यहाँ से लेकर वहां तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। ठीक है, इतने जूते लगेंगे ताकत ठिकाने लग जाए। मगर मैं भी ठिकाने लग जाऊंगा। वो और भी अच्छा होगा, ऐसी औलाद से बे औलाद होना बेहतर। बोल किधर से शुरू करूं, इधर से या इधर से? अब बहुत, अगर ताशपोशी जरूरी है तो फिर इधर ही से शुरू फरमाइएगा। अब हुजूर, मेरे सर का नहीं तो कम से कम जूतों का जरूर ख्याल फरमाइएगा। वही ख्याल फरमा रहा हूँ। हाथ है, मैं समझा जूता आया। हाय हाय, जूते मार मार के गंजा कर दिया है मेरे बेटे को। इधर से देखिए अम्मी, इधर से। अम्मी जान, ये ताजपोशी किसी और मुबारक दिन के लिए मुलतवी करवा दीजिए, मैं आइंदा कभी ऐसी गलती करूँ तो।
आए हाँ मैं कहती हूँ जाने भी दीजिए, फिर कभी ऐसा नहीं करेगा। आ गई ना बीच में, तुम्हें ऐसे बना रखा है। अब बहुजूर मैं कसम खाकर वादा करता हूँ आइंदा कभी दरगाह शरीफ के अहाते में भी कदम नहीं रखूंगा। बस कमबख्त तो कोड़ी हो जाओगे कोड़ी, बाग जगह पर तमाशा कहाँ बना के रखा है। आए हाय वादा तो कर रहा है बेचारा, और फिर मैं कहती हूँ जाने दीजिए। बाग 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 जन में अंदर आ सकता हूँ? प्यारे मेरा आ जाओ बेटा। अम्मी जान देखिए मैं आपके लिए क्या लाया हूँ, पीर साहब के मजार का तबर्रुक। जीते रहो बेटा, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। और अम्मी मैंने आपके लिए दुआ भी मांगी है कि अल्लाह आपको जल्द से अतियाब करे और इमसाल हज काबा और ज्यारत मदीना मुनवरा से मुशर्रफ फरमाए। आमीन। वो तो होगा ही बेटा, मगर तूने अपने लिए चांद सी दुल्हन क्यों ना मांग ली? अम्मी वो तो बिन मांगे ही उनका करम हो गया। भाईजान एक करम मुझ पर भी हो जाए। ये फहरिस्त देख लीजिए मेहमानों की, परसों मेरी सालगिरह है। अरे हाँ बेटा, शादी के बाद मेरी बेटी की पहली सालगिरह है, निहायत धूमधाम से मनाऊंगी। देखो तो किस किस को बुलाया है। सुल्ताना बेगम, जकिया खातून, अस्करी बेगम, सब तो है, लेकिन असलम और शायदा का नाम नजर नहीं आता। है? क्यों? ये देखिए ना मम्मी, है तो आखिर में। आखिर में नहीं बेटी, इन दोनों का नाम सबसे ऊपर होना चाहिए। बचपन के दोस्त हैं मेरे बेटे के, मेरे लिए जैसे तुम दोनों वैसे वो। बल्कि शायदा की वालिदा और दारोगा साहब को भी दावत दे दो। बाकी रहा असलम, मेरा सबसे अजीज दोस्त। अम्मी वो मुझे इसलिए भी ज्यादा प्यारा है, दुनिया में अकेला है बेचारा, ना बाप है ना माँ। ऐसा ना कहो बेटे, मैं जो हूँ उसकी माँ की जगह। खुदा बख्शे, तुम्हारे अब्बा मरहूम कहा करते थे, जिसको सच्चा दोस्त मिल गया उसको सब कुछ मिल गया। अल्लाह सलामत रखे तुम तीनों को और तुम्हारी दोस्ती को। जाओ सालगिरह के दावतनामे लिखवा कर तकसीम करवा।
ये जगह कितनी अच्छी, यहाँ बैठे थे। कितनी अच्छी जगह, तुम भी यहीं पर आ जाओ, बहुत मुलायम है। यहाँ बैठकर खाएंगे तो बहुत मजा आएगा। किसकी तस्वीर है ये? ये रिहाना के भाई की है शायद। क्यों? जैसे मैंने इन्हें पहले कहीं देखा है। ख्वाब में देखा होगा। ये और मेरे ख्वाब में? हजरत बहुत हसीन समझते हैं शायद अपने आप को, जो इतने छोटे कमरे में इतनी बड़ी तस्वीर टांग रखी है। नहीं भाई, शक्ल तो कुछ इतनी बुरी नहीं है। अरे हटो भी, तुम्हारे लिए होगी। आओ मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो पेशानी देखो, जैसे म्युनिसिपैलिटी की पुरानी बेमरम्मत सड़क, ऊंची और ये नाक जैसे जली हुई रोटी पे भुना हुआ बैंगन, और ये मुंह, मुंह तो ऐसे है जैसे लेटर बॉक्स पर डालने वाला होता है ना। है ऐसा ना कहो, कहीं रेहाना ने सुन लिया तो क्या कहे, उसी का खा रही हो और उसी के भाई की बुराई करती हो। रेहाना मैं कहती हूँ अगर ये हजरत खुद भी सामने आ जाए तो भी यही कहती, और अगर ये बिगड़ कर कुछ कहते तो ये। अरे वाह क्या देखती है। अरे खेली 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 तो बड़ा गजब हो गया। किसी से कुछ कहना नहीं, उतना बड़ी बदनामी होगी। और अगर उन्होंने खुद ही रिहाना से कह दिया तो? अरे नहीं बदली, मर्द जब औरत से मार खाता है ना तो गोल हो जाता है, समझी? समझी। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशी, आंचल को संवारा करते हैं। आंचल को संवारा करते हैं, आंचल को संवारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी है जो छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी है जो छुप छुप के नजारा करते हैं। छुप छुप के नजारा करते हैं, छुप छुप के नजारा करते हैं। कुछ ऐसे नजर वाले भी है जो छुप छुप के नजारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशिया, जल को संवारा। पर्दा नशीनों के सामने झुकती है जिंदगी भी हसीनों के सामने। मैं फिल्म में हुस्न की जो गया शान से गया, जिसने नजर मिलाई वही जान से गया। बेताब निगाहों से कह दो, जल्दों से उलझना ठीक नहीं। जल्दों से उलझना ठीक नहीं, नाजो अदा के मतवाले बेमौत भी मारा करते हैं। ये नाजो अदा के मतवाले बेमौत भी मारा करते हैं। बेमौत भी मारा करते हैं, बेमौत भी मारा करते हैं। ये नाजो अदा के मतवाले बेमौत भी मारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशिया, चल को सवारा करते हैं।
खुश हो तो उल्फत का एहतराम करे, अगर जरा भी खफा हो तो कत्लेआम करे। छेड़े न मोहब्बत के मारे इन चांद से सूरत वालों को, इन चांद से सूरत वालों को, इन चांद से सूरत वालों को। ये शोख नजर के खंजर भी सीने में उतारा करते हैं, ये शोख नजर के खंजर भी सीने में उतारा करते हैं, सीने में उतारा करते हैं, सीने में उतारा करते हैं, ये शोख नजर के खंजर भी सीने में उतारा करते हैं। शर्मा के ये क्यों सब पर्दा नशिया चल को संवारा करते हैं। मैंने तुम्हारी सालगिरह के लिए बहुत खूबसूरत हार खरीदा। जी हाँ है? ये बहुत बुरी बात है भाईजान। क्या? अगर इनमें से कोई देख लेता तो मेरी नाक कट जाती और बदनामी होती से अलग। कल फिर बुलाने पर मेरी कोई सहेली भी ना आती। मैं भी जाती अम्मी से कहूंगी। क्या गजब कर रही हो? लो मैं चला जाता हूँ। मगर इस छत पर कब आइएगा? नहीं इस तरह। अच्छा बाबा नहीं आऊंगा, जा अपना काम कर। क्या है मियां? देख नसीबत, मेरा एक काम करेगी। सरकार एक क्या हजार काम कर दूंगी। तो सुन, वहाँ पर एक लड़की है ना। एक लड़की क्या, वहाँ तो पचासों बैठी है। नहीं, वो जिसकी आंखें हैं और आंखें तो सभी की हैं सरकार। वो कमबख्त खुद कहने भी देगी। अच्छा कहिए। देख एक मोटा सा पता देता हूँ, वो लड़की जो रेशमी दुपट्टा ओढ़े हुए है ना, जिसमे कामदानी के फूल लगे हुए हैं। अरे हाँ, ये देख उसी का टुकड़ा है। सरकार ये आपको कहाँ से मिला? ये फिर बताऊंगा, जा इसका। और देख किसी से कुछ बाबा सरकार मेरी ये मजाक सरकार वो। अरे हाँ 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 सब हो जाएगा, तू काम तो कर। अरे यहाँ खड़ी क्या करी? देखो ये सब बहना बच रहे आपस में दुपट्टे बदले जा रहे हैं। अच्छा बाबा लाओ लाना, हम तुम भी बदल लें। मगर ये तो फटा हुआ है, क्या करोगे इसको? ऐ चले होगा भी, ये लो। कुछ नहीं बेगम साहब, मियां मर गए जी। अल्लाह तेरा शुक्र। अल्लाह रखे सात जवान बेटी है और ये एक साहबजादी है। लड़की से अच्छी तरह से वाकिफियत है ना? क्या क्या बात करते हैं, वो तो यूं कहो कि काम काज की वजह से फुर्सत नहीं मिलती, वरना रोज आना जाना था। सच लिए ना, दो चार रोज में बताऊंगा क्या कहना होगा जाकर, समझी? बिल्कुल समझ गई सरकार, एकदम समझ गई। बाकी उनकी निशानी तो दे दी जा, दिल को कुछ तो करार रहे। हाय हाय मियाँ, इतनी बेकरारी। अंदर हो क्या नवाब साहब? शादा आओ भाई आओ। अम्मा अकेले ही चले? जी अकेले ही नहीं, खासदार भी हाजिर है। आदाब। अम्मा
भाई कहाँ गायब थे कितने दिनों से? भाई बहुत मसरूफ, मगर आज आना ही पड़ा। एक तो रेहाना की सालगिरह और दूसरे तुम्हारे मामले की खुशखबरी जो शहदा से सुनी, तो सारे कामकाज छोड़कर मुबारकबाद देने चला है। चलो पिघला तो ये पत्थर मुंह होकर, कहीं तो तबीयत आई। ये बताओ मुंह कब मीठा करवा रहे हो? अभी नहीं यार, पहले पता तो चल जाने दो, मेरा मतलब है अगले जुमेरात तक। नहीं भाई अब इसकी जरूरत नहीं रही, वो तो रेहाना बीबी ने अब दोनों साहिबों को सलाम कहा है। अच्छी बात है, समझ गए। हमारी तरफ से जवाब में ये दे देना और ये हमारी तरफ से। हाँ वो बात तो रहेगी, क्या कह रहे थे? हमारी आना की सालगिरह में वो भी आई हुई है। क्या कहा? हाँ हाँ, यही तो नसीबन से पूछ रहा था कि तुम लोग आ गए। ये भी मालूम हो गया कि मोहल्ले में आगा नन्ने साहब जो है उन्हीं की साहबजादी है वो। ये देखो उनकी निशानी। बड़े उस्ताद हो यार, कैसे मिला ये दुपट्टे का टुकड़ा? अरे मियां ये मत पूछो। क्यों और दिल पे चोट लगी क्या? हमारी पीठ पे भी चोट दे गई है। क्या कह रहे हो? अरे अरे नहीं, अरे अमां क्या लहरदार चोट है, सालिम ने क्या बल खा के मारा होगा, बिल्कुल नागन की तरह। क्या कर रहे हो? अमां बिल्कुल ही थर्ड क्लास आची को यार, जरा सी चोट पे हाय मातम शुरू कर दी। मुझे देखो, सिर्फ तोप का गोला ही आजमाया नहीं गया, वरना तमीजन ने दुनिया की कोई चीज उठा नहीं रखी और सब तह गए। हयादार होते तो डूब मरते। वाकई छोड़ो इस बात को, अब तो लड़की का पता चल ही गया है, चट मंगनी पट ब्याह, चलो अभी तय किया। अरे मगर ऐसा भी क्या है, जरा सोच समझ लो, अगर उन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया तो? अमा क्या बात करते हो शहजा, असलम की बात तुम्हारी जूतियों के तुफैल सारे लखनऊ में कोई नहीं टाल सकता। क्यों भाई क्या कहते हो, चले जाए कल सुबह? अमा हाँ यार, तो एक एक मिनट मुश्किल से गुजर रहा है। लो भाई एक और गए, अब रहे तुम सो अल्लाह मालिक। अच्छा भाई चलते हैं। अमा क्या गजब कर रहे हो? अरे हाँ, वो जख्म की ठंडक के लिए नुस्खा याद आ गया। ये जो दुपट्टे का टुकड़ा है ना, इसको जलाकर मक्खन में मिलाकर मरहम बनाकर जख्म पर लगाकर बवक्त तकलीफ आजमाइए। आइए। मेरा मतलब है तालीम वालीम क्या है साहबजादे? जी एमए पास है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सेहत और तंदुरुस्ती का क्या हाल है? जी मेरा मतलब है कुछ खेलते वेलते तो होंगे? खेल ओ जी जी हाँ, हुडुडवा लाजवाब खेलते हैं। हुडुडवा? जी हाँ। ये कौन सा खेल हुआ साहब जी? हाँ ये वो खेल है, इसमें एक शख्स दो को अपनी पीठ पर लाद लेता है और 10 मील भागता है। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, अजीब अजीब खेल है और नाम। बस अब इतना और फरमा दीजिए कि कुछ मकान जायदाद इलाका। अजी ये भी कोई पूछने की बात है? जी जंगली गंज, बेगमगंज, नवाबगंज, मकबूलगंज, महबूबगंज और तोप दरवाजे में 20 हवेलियां और 60 दुकानें, मलियाबाद में आम अमरूद के 200 बागात और जमींदारी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो अब इस रिश्ते को करीब करीब तय समझिए, मैं जरा किबला अब्बा हुजूर से मशवरा ले लूं, क्योंकि उनका फैसला ही आखिरी फैसला होगा। आपके अब्बा हुजूर? जी हाँ, वो अपने अब्बा हुजूर के वहाँ गए हुए। यानी कि आपके अब्बा हुजूर अपने अब्बा हुजूर के यहाँ गए? जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो हम लोग एक हफ्ते बाद आए? बस बस बिल्कुल ठीक है। आदाबाद। आदाबाद। असलम मियां, मालूम होता है पूरा खानदान आबे हयात की वह जल्दी से निकल चली है। जरा हाथ दे दीजिए। आप साहब जरा इधर तशरीफ लाइए। हाजिर हूँ। देखिए आप लोगों का मजहबी ख्याल हज के बारे में क्या है मैं बिल्कुल नहीं जानता, मगर डॉक्टर की हैसियत से मेरी राय नहीं कि यह हज को जाए। इस मरतबा बीमारी ने इन्हें बहुत कमजोर कर दिया है, खुसूसन दिल को आराम की सख्त जरूरत है। अगर हो सके तो आइंदा साल के लिए मुलतवी करवा दीजिए, या यूं किया जाए कि इनकी बजाय किसी और को भेज दिया जाए, क्योंकि बीमारी और मजबूरी की हालत में हज बदल भी हो सकता है। जी
मेरा मतलब है इनकी बजाय कोई दूसरा हज कर आए तो शरा के मुताबिक हज इन्हीं का होगा। मेरी राय में तो यही ठीक है। हजरत, अगर कहीं आप ही इस नेक काम के लिए तैयार हो जाएं, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा और वालिदा साहिबा भी। जी मुझे कोई एतराज नहीं, मगर मगर क्या फरमाइए। मैं जरा बेगम साहब से कुछ बातें करना चाहता हूँ। बड़े शौक से, अंदर पर्दा है, आवाज दे लीजिए, मैं जरा डॉक्टर साहब के साथ जाता हूँ। जी आइए डॉक्टर साहब। अम्मी जान, आप तबीयत कैसी? अल्लाह का फजल है बेटे। मौलवी साहब ने क्या इरशाद फरमाया? मौलवी साहब तो तैयार हैं बेचारे, मेरे लिए हज कर आएंगे, लेकिन उनकी लड़की जवान है, उसकी शादी किए बगैर कैसे जा सकते हैं? उन्होंने साफ तो नहीं कहा, सिर्फ ख्याल जाहिर किया है कि तुम्हारे ही साथ हो जाए तो अच्छा है। जी, मेरे साथ? हाँ बेटे, मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी दोनों मुरादें एक साथ पूरी हो, तुम्हारी शादी और मेरा हज। फिर लड़की सीधी सादी है, खूबसूरत और 100 में 1। मगर अम्मी, ये तो आपके वादे के खिलाफ है। आपने मुझे शादी के मामले में पूरी आजादी दे रखी है, फिर ये क्यों? अरे बेटे, बात ही ऐसी आ गई है, क्या तुम चाहते हो कि मेरा हज ना हो? अगर मेरी हालत ना गिर गई होती तो डॉक्टर सब मना ही क्यों करते? फिर जिंदगी का क्या भरोसा है? ऐसा ना कहिए अम्मी जान। अम्मी, अम्मी अगर यूं हो कि मैं अपनी बजाय किसी और को पेश करूं, मेरा मतलब है कि मुझसे हर हालत में बेहतर हो तो? मेरे बच्चे, माँ की नजर में अपने बेटे से अच्छा कोई नहीं होता। बुलवाऊं मौलवी साहब को? नहीं अम्मी जान, अभी नहीं, मुझे कुछ सोचने का मौका दीजिए। अच्छा तो सोच लो, वक्त बहुत कम है, कल तक मौलवी साहब को जवाब मिल जाना चाहिए। कल तक? मगर नमाज पढ़ने के लिए जा रहा था। अबे तू और इशा की नमाज, बोल कहाँ जा रहा था? मैं तुम अरे भाई, अपना एक ही तो ठिकाना है, तभी जनों कहाँ, लेकिन आप इस वक्त यहाँ? मैं तुमसे कुछ पूछने आया था। क्या? शादी करोगे? शादी किस तमीज़ से? नहीं, जिससे मैं कहूँ। जो बात करोगे सो उल्टी। अमा, जो आदमी अपनी महबूबा के लिए बाप को धोखा दे सकता है, सारी दुनिया को धोखा दे सकता है, वो तो उसी लड़की से क्यों शादी करने लगा? नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं होंगे शायद मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, इस वक्त कौन हो सकता है? या वहशत, आइए आइए आइए, चैन न पड़ता होगा। ये तो मैं पहले ही जानता था कि आज की आग करेंगे और नींदें हमारी आराम। नहीं भाई, इसके अलावा है कुछ जरूरी बात। वाकई? तो बैठिए। अरे भाई, मुझे बुला लेते, फजूल तकलीफ की आधी रात। चलो, एक ही बात है,
मैं आ गया तो कोई बेइज्जती हो गई या शान घट गई। तुम भी नहीं सोए, क्या कर रहे थे? हिसाब कहे आपके एहसानों का, जो आज रुपया मकान और इज्जत की शक्ल में दिखाई पड़ते हैं। क्या मतलब? नहीं बैठने दोगे? चला जाऊं क्या इस मकान से जिसे तुम्हारी मेहरबानियों ने खड़ा किया है? सभी कुछ तो खो चुका था मेरे दोस्त, एक जान रह गई थी, आज वो भी न होती जो तुम न बचाते। और किसी लायक तो हुआ नहीं, कम से कम मुंह से तो कह लेने दिया करो। बस कह चुके, अब मैं भी कुछ अर्ज करूं कि इतनी रात गए मैं यहां क्यों आया? हाँ फरमाइए। यार तुम तो जानते हो कि इस बुढ़ापे में अम्मी जान सिर्फ दो चीजों की ख्वाहिश रखती है, एक मेरी शादी, दूसरा उनका हज। और हज का सब इंतजाम भी हो गया था। हाँ मुझे मालूम है। अब मुसीबत ये आ पड़ी है कि इन दिनों वो बहुत कमजोर हो गई है और डॉक्टर का कहना है कि उन्हें खुद हज के लिए ना जाना चाहिए। अच्छा तो फिर तय ये हुआ है कि हज के लिए किसी दूसरे आदमी को भेज दिया जाए। इसके लिए मौलवी साहब चुने गए हैं और वो तैयार हैं। मगर यार मुश्किल ये है, उनकी लड़की जवान है और जब तक उसकी शादी ना हो जाए वो नहीं जा सकते। अब इतनी जल्दी शादी का इंतजाम और कहीं तो हो नहीं सकता, लिहाजा अम्मी जान मुझसे कर देना चाहती है। है? तुमसे? और मैं क्यों नहीं करना चाहता ये तुम खुद ही जानते हो। ऐसी हालत में अगर मैं मौलवी साहब की लड़की से शादी करता हूं तो असलम मेरी सारी उम्मीदों का खून हो जाएगा। तो होना क्या चाहिए? मेरे दोस्त, मेरी खुशियों का जनाजा अगर तुम उठता हुआ नहीं देखना चाहते, बल्कि यूं कहो कि मेरी जिंदगी को तबाही और बर्बादी से बचाना चाहते हो, तो ये शादी तुम। बस इतनी सी बात, अभी चलो सरा बांध के। असलम मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। मैं अभी जाकर अम्मी जान से कहता हूं। हाँ एक बात सुन लो साफ साफ, मैंने खुद उस लड़की को नहीं देखा, लोग कहते हैं कि अच्छी है। समझ लो भाई ये मेरी किस्मत। प्यारे मियां इसे कहते हैं इत्तेफाक कि तुमसे पहले दूल्हा बन रहा, और खुदा ने चाहा तो दुल्हन भी तुमसे अच्छी होगी, इतनी की रश करोगे जो कभी सामना हो गया। अब हामी यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। आज की खुशियाँ देख के मेरा दिल पीले अंगड़ाई, मेरे भी घर हो धूम धड़का और बजे शहनाई। आज की खुशियाँ देख के मेरा दिल पीले अंगड़ाई, मेरे भी घर हो धूम धड़का और बजे शहनाई। मैं भी सेहरा बांध के बैठूं बीच भरी महफिल के, मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के, हर मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। बाय
मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा। यार को तूने दुल्हन दे दी रह गया मैं ही कुंवारा। मेरे मालिक मेरे दाता मेरे पालनहारा। यार को तूने दुल्हन दे दी रह गया मैं ही कुंवारा। मुझको भी मेरी बुलबुल दे दे हाय। मैं भी हंसू खिल खिल के मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी। आज तेरे सेहरे ने भैया मुझ पे कयामत तोड़ी। मेरे हमदम रहे हमेशा तेरी सलामत जोड़ी। आज तेरे सेहरे ने भैया मुझ पे कयामत तोड़ी। मेरी भी आंखों में जागे ओ ख्वाब नई मंजिल के। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरा यार बना है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। मेरा याद मिला है दूल्हा और फूल खिले हैं दिल के। अरे मेरी भी शादी हो जाए दुआ करो सब मिलके। Thank you.
करवाने के लिए आपको मजबूर नहीं करूंगा, ये अपने नसीब और आपकी मर्जी पे छोड़ता हूं, मगर खुदा के लिए मेरी शक्ल जरूर देख लीजिए। मैं काना हूं, मुंह पे चेचक के ये बड़े बड़े दाग, रंग अफ्रीका के हबशियों से ज्यादा काला है, और सामने के ये दो दांत बिल्कुल हाथी के दांतों की तरह बाहर निकले हुए। अब कहां, सुभान अल्लाह, वाकई चौधरी का चांद, प्यारे मियां ने ये सबसे बड़ा एहसान किया है मुझ पर। मर गया, खुदा की कसम लुट गया। अरे कमबख्त, तू क्या जाने मोहब्बत क्या होती। देख सारा बदन थूक रहा है। हाँ मियां, थूक रहा होगा। होगा, अरे बदबख्त, मुंह से धुआं निकलता है, धुआं। जी, तेरे मुंह से भी कभी धुआं निकलता है? ना मियां, मेरे मुंह से कभी धुआं नहीं निकला। हाँ, मेरे बाप के मुंह से निकलता है, वो जब हुक्का पीते। जा बाबा जा, अरे जा, कुछ सलाम पयाम ले आ। आए हाय मियां, सब्र कीजिए, शाम तक की तो बात है। बड़ी मुश्किलों से राजी हुई है सामना करने पर, वो भी इसलिए कि आज उनके वालिद इलाके पर जा रहे हैं, फिर शायद मौका मिले ना मिले। नसीबन तू बहुत अच्छी है, मगर शाम को कितने बजे? सरकार, मुझे चिराग जलते ही बुलाया है, मैं वहीं मिलूंगी। आप किसी तरह छुपकर पाई बाग में पहुंच जाइएगा बस। नसीबन, अगर मेरा काम बन गया तो हीरे की ये अंगूठी तुझे इनाम में दे दूंगा। हाँ। देख कितना खुश हो गया मेरा दिल। देखो ओए अल्लाह, सरकार ये तो इस तरह चल रहा है जैसे रेल का इंजन छक छक। अरे कमबख्त, ये तो मेरी घड़ी है, दिल तो इस तरफ है। अब्बा का दिल तो इस तरफ है। चल अब्बा की बच्ची, जा यहां। ये, कुछ नहीं अम्मी जान, मैं नसीबन से पूछ रहा था कि असलम की बीवी कैसी है, बहुत तारीफ कर रही है। मैंने जो कहा था तुझसे तो तूने नहीं मानी मेरी बात। खैर, असलम भी तो अपना ही लड़का है, गरीब घर की है, लेकिन 100 में 1 है वो लड़की। लेकिन अम्मी जान, मुझे 1000 में 1 चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 1 महीना, फिर देखिएगा क्या चीज लाता हूँ। कसम खुदा की अम्मी जान, इस कदर हसीन है कि सारा मकान जगमगा रहा है। सारे झाड़ फानूस उतार कर रख देने पड़ेंगे। अम्मी आप तो मजाक करती हैं। आखिर हम भी तो सुने कौन है वो। नहीं अम्मी, बात ही क्या हुई जो आपको बता दिया, आपके होश उड़ जाएंगे, देखिए तो सही। मेरे होश से ज्यादा तो तू उड़ने लगा है किसी परी के पीछे। मेरे बच्चे, जल्दी कर, कोई भी हो। घबराइए नहीं अम्मी, बहुत जल्द फैसला किया देता हूँ। और हाँ अम्मी, आज शाम को मेरा इंतजार न कीजिएगा, असलम की हाँ मेरी दावत। मेरे नसीब ने ये काम लाजवाब किया कि तुमको लाख हसीनों में इंतखाब किया। अल्लाह, चाहिए भी। अमा असलम साहब, लो आ गए। अमा कहाँ हो भाई, आइए, मुबारक हो, मुबारक हो। प्यारे मियां, बीवी मुबारक हो भाई, बीवी मुबारक हो। क्यों यार, दुल्हन पसंद आई? भाई तुम्हारे एहसानों से सुबुकदोश तो क्या होता, रोज बरोज दबता ही जा रहा हूं। खुदा की कसम, क्या चीज अदा की है तुमने। जी चाहता तुम्हारे हाथ चूम जिसने मुझे तोहफा दिया है। अमा हटो, ये क्या भाई यार। और भाई मुझे तो ये पेशानी चुमा दो। आ हा हा, कुर्बान जाऊं इस मुकद्दर पे, जो चीज सूझी सो उल्टी। हमारा तोहफा देने से पहले देख तो लिया होता। शैदा, वल्ला 1000 में 1 है, हमारा मेरी वाली 1000000 में 1 है। शैदा ने देखी है, पूछ लो इसे। हाँ भाई, दिल के आने के ढंग निराले हैं, मेरी तमीजन 1000000000 में 1 है। तमीजन, अमां छोड़ो ये बातें, भाई जल्दी से खाना खिला दो, एक जरूरी काम से जाना है। खाना लग गया हुजूर। चलो नसीबन, अल्लाह जानता है मेरी तबीयत बहुत और खाती है, कैसे सामना होगा। एक बात तो नहीं निकल सकेगी मेरे मुंह से। अरे बीबी, डर किस बात का,
मैं जो हूँ साथ खड़ी रहूँ। नहीं बाबा, मुझसे ना हो सकेगा, तुम मना कर दे जाकर। और हर बीबी क्या गजब कर रही हो, वो तो दिन से ही उधार खाए बैठे थे। बावर्ची खाने के पीछे जो पेड़ है ना, उसी के नीचे अंधेरे में खड़े हैं बेचारे। अभी कमबख्त करीमन भी नहीं गई, बर्तन साफ कर रही है। आमा ऐसे नहीं ठहरो, ए अब ठीक है। वल्ला क्या जच रहे हो आमा शायदा। शायद इसी का नाम मोहब्बत है शायदा, एक आग सी है सीने के अंदर लगी। वाकई लो हो गया इलाज, अब तो आग ठंडी हो गई। कौन है बदतमीज? ओए मां, हाय अल्लाह, ये क्या हुआ? दीदी जी बहुत सी खाने के पीछे चोर खड़े हुए हैं। अरे यूं ही तेरा वहम है, करीमा निकल यहाँ से। चल चल हौल विला कुव्वत, मेरी राय में तो अब चले ही चलो, सवेरा हो गया। नहीं नहीं यार, ऐसा खत्म ना करो। अम्मा फिर ऐसे होली में तुम जाओगे भी कैसे? कह देंगे तुम्हारी खादिमा की गलती है। अच्छी बात है, तो बैठे रहिए धुनी रमाए के। अगर गोरी आए गई तो हुआ, नहीं तो हुआ। आप यही ठहरिए, मैं बुलाए लेती हूँ। हाँ जाने कहाँ मर गई ये कमबख्त नसीबन, अमा कुछ टिकड़ में लगी होगी। लीजिए, मक्तल में आजमाइश का वक्त आ गया है, जाइए। अमा जाओ ना। मियाँ आइए ना। जाना नहीं, यही रहना। अच्छी बात है, आइए। ये कौन है? अरे मियाँ वही तो है। ये वो नहीं, मजाक कर रही हो क्या? हाय अल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? ये तो मियाँ भागिए भागिए। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो, जुल्फे है जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैके प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। झील में हंसता हुआ कमल, चेहरा है जैसे झील
में हंसता हुआ कमल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किस शायर का ख्वाब हो, चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदवी का चांद हो होंठों पे खेलती है तबसुम की बिजलियां, होंठों पे खेलती है तबसुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनियाए हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो, चौदवी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदवी का चांद हो शायदा, मानना पड़ेगा इसमें तुम्हारी भी गलती है। तुम्हें साथ ले जाने के बजाय उन्हें रोकना चाहिए था। अमा वल्लाह किस मर्दूत को पता भी हो, बताया तक नहीं। तुम्हारे यहाँ से खाना खा के निकले और सीधे वहाँ पहुँचे, मामला दीनी में तय करके सरे शाम नसीबन को भेज ही चुके थे। अच्छा, वहाँ जो हुआ सो हुआ, मगर ताज्जुब तो ये है कि वो लड़की भी नहीं थी जिसको प्यारे मियाँ ने पहले मेले में और बाद में मकान पे देखा था। क्या कह रहे हो शायदा? हाँ भाई, न जाने कमबख्त नसीबन की क्या चाल थी इसमें, जो खामखात उसी लड़की से भिड़वाना चाहती थी। और क्यों, ये खुदा बेहतर जानता है। वो कमबख्त है कहाँ, जरा पूछो तो सही क्या मतलब था उसका। अम्मा वो कल से लापता है, आई ही नहीं डर के मारे। पर्दा हो गया है, तशरीफ ले चलिए। मैंने कहा आलीजान नवाब प्यारे मियां साहब, अंदर आ सकते हम लोग? आइए हुजूर, आइए, तशरीफ लाइए। क्यों, तबीयत तो ठीक हो गई होगी और दर्द भी कम हो ही गया होगा। ये चोट कैसे लगी शायदा? आधा रुपए के सीता, मैं पूछती हूँ ये चोट कैसे लगी? जी वो चोट, हाँ हाँ हाँ, आओ देखा ना, ताओ सर पर ताओ रखकर भागे, आगे आगे ये और पीछे पीछे मैं और मेरे पीछे चार लटबाज। हाय अल्लाह, कहीं डाका डालने गए थे क्या? जी नहीं चची जान, ये एक किस्म का खेल है। सुल्तान आलम हुजूर नवाब वाजिद अली शाह को ये खेल बेहद पसंद था। मगर ये कौन सा खेल है निगोड़ा, जो रात ही में खेला जाता है? जी नहीं, दिन ही में खेला जाता है। हाँ, अगर फुर्सत ना हो तो रात में भी खेल सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। ना बाबा ना, आज से इनका रात को निकलना बंद। जी हाँ चाची, मेरी भी यही राय। तुम भी बड़े नामाकूल हो असलम, इसकी बीवी मैंने तुम्हें दे दी और तुम इसके लिए बीवी नहीं ढूंढ सकते। कान खोल कर सुन लो, मैं तो इसी चांद में इसकी शादी करूंगी। अगर तुम लोग ढूंढ लाए तो खैर, वरना जहाँ मेरा जी चाहेगा कर दूंगी, एक ना सुनूंगी। ये तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि ये हजरत उस मेले वाली लड़की के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। बिल्कुल ठीक, कल जुमेरात है, हम और शायदा फिर उसी दरगाह से शुरू करते हैं। ये तो मैं पहन चुकी हूँ, उस रोज वो देख भी चुके हैं, कहते थे कयामत बर्पा कर रही हूँ।
रखो अलग इसे, कयामत का बार बार आना ठीक नहीं। मजा तो जब है कि सिर्फ सूरत और सादगी पर मरना जीना हो। हाय मार डाला। हेलो क्या हो गया आपको? हेलो बोली भी क्यों डर गई? जाइए, मेरा तो जी धक से हो गया। किसी की जान गई आपकी अदा ठहरी। जान तो मेरी जाएगी किसी दिन तुम्हारे हुस्न पर। हटाइए भी। बेगम एक बात तो बताओ, कोई तुमसे भी हसीन लड़की है इस शहर में? क्यों नहीं, इतना बड़ा लखनऊ पड़ा है, हजारों ही मुझसे अच्छी है। मैं नहीं मानता। तो ना मानिए। ये आज कहाँ की तैयारी हो रही है? पीर साहब की उर्स में जा रही हूँ, अम्मी जान ने बुला भेजा है। आपको कोई एतराज तो नहीं? बिल्कुल नहीं, जरूर जाओ, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, बड़ा लुत्फ रहेगा। अब समझी कि हसीन लड़की की पूछगछ क्यों हो रही थी, मगर अब क्या करेंगे पूछकर, मैं तो आपके सर मन दी गई हूँ। दरगाह जाना भी फजूल है और किसी की तलाश भी। तुम्हारे सर की कसम आज तक नहीं किया, आज जा रहा हूँ, वो भी किसी खास वजह से। अच्छा, शोहदों और गुंडों की तरह शरीफ औरतों को ताकते झांकते ना फिरेगा? अरे वाह, आज ही तो ताक झांक का मौका मिलेगा। क्या मतलब? सारे दोस्तों से तुम्हारा सामना करवा दूंगा और इतना तंग करूंगा कि वहाँ से भागते ही बनेगा। मेरी जूती मैं नकाब डाले रहूंगी। अच्छा देख लेना। यू ही सही। अम्मी जान आदाब। हाय जमीला। मैं वारी बेटी, चश्मे बद्दूर, कितनी अच्छी लगती है तू। कौन जमीला? आदाब भैजन। जीती रहो। अरे भाई कहाँ भूल पड़ी आज इधर? नहीं कसम से फुर्सत ही नहीं मिलती, और आप भी तो भूल गए, कभी झांकते तक नहीं कि मर गई या जिंदा है। आए हाय मरे तेरे दुश्मन, जो मुंह में आया बकने लगी। अच्छा अब ईद पर आएंगे हम दोनों भाई, इस वक्त मैं दुकान पर जा रहा हूँ, अकमल तन्हा है। आदाब। जीते रहो बेटा। आदाब भैजन। चलिए अम्मी तैयार हो जाइए, कल तो हम उर्स में जा नहीं सके, आज आपके साथ चलेंगे। अच्छा बेटा, मगर ये सब गहने तू यहीं उतार दे, वरना कमबख्त कितने चोर गिराकट वहाँ होते हैं। देख उस मर्तबा पहुंची जाते जाते रह गई, खैर वो तो घर ही की थी, ये तमाम जेवरा ससुराल के हैं, एक भी गया तो नाक कट जाएगी, लोग कुछ का कुछ न समझ बैठे। अच्छा अम्मी बस छोटी छोटी चीजें रहने दो, और किसी फकीर टोले को नजदीक आने ही न देना, मैं बुलाती हूँ कुलसुम रुकैया और उसकी माँ को। पाक चवन्नी का सवाल है बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है, ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है, ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है। जितने हैं दुनिया वाले फिरते हैं झोली डाले, कोई मुराद मांगे कोई औलाद मांगे, कोई मोहब्बत चाहे कोई हुकूमत चाहे, कोई तकदीर मांगे कोई तस्वीर मांगे। एक फोटो का सवाल है बाबा, मैं किधर है? कोई तकदीर मांगे कोई तस्वीर मांगे, सबके गले में भैया अरमानों का ढोल है, ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है, ये दुनिया गोल है ऊपर से खोल है। चांद
चांदी सोना ना मांगू, रुपया पैसा ना मांगू, खोली बंगला ना मांगू, कपड़ा लत्ता ना मांगू, घोड़ा गाड़ी ना मांगू, कुर्ता धोती ना मांगू, परवरदिगार मेरे उसका दीदार दे दे। एक फोटो का सवाल है बाबा, मैं अब तक नहीं मिला। परवरदिगार मेरे उसका दीदार दे दे, जल्दी मिला दे, मेरी दुनिया डावा डोल है, ये दुनिया गोल है, ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है, ये दुनिया गोल है, ऊपर से। ये कहां से मर गए, ट्यून बदलो। मेरे मौला बुला लो मदीने, मुझे लगे मौत के आने पसीने, मुझे मेरे मौला बुला लो मदीने, इसे इसे नहीं बाबा मुझे। अच्छा बेटा अच्छा, लंबी उम्र हो। ऊपर से खोल है, अंदर जो देखो प्यारे बिल्कुल पोलम पोल है, ये दुनिया गोल है। वाय क्या बदतमीजी, ऊपर से खोले भाई। अरे शैदा तुम वो देखो मेरे वालिद साहब मलकुल मौत जा रहे हैं, तुम उनके पीछे लग रहे हो। और वो लोग अभी तक नहीं आए, मैं सब देख चुका हूँ। जाओ जल्दी से, कभी परख कर ना जाए। जाओ, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अम्मी चलिए पहले फूल तो ले ले। हाँ हाँ बेटे ले लो। जो दे उसका भी भा। भैया आठाने को फूल दे देना। फकीर का सवाल पूरा हो गया बाबा, तेरा भी सवाल पूरा करेंगे। एक चादर हमारी तरफ से। दूर बाबा दूर, हाथ तो बढ़ाइए। बेटे जमीला फूल ले लो बेटे। अरे भाभी जान, नसीमा जो हम तुमसे नहीं बोले, अल्लाह जाने भूली गई जैसे। नहीं नहीं भाभी जान, दो चार रोज में जरूर आऊंगी। दो चार रोज में नहीं, कल या परसों तक नहीं आओगी तो अच्छा ना होगा। हाँ। अच्छी बात है, चल चल। गिरफ्तार करके पुलिस चौकी में ले आओ, सबसे ताला सिलो, भागो। पता नहीं कहाँ चले गए भाई लोग, कुछ समझ में नहीं आता है क्या। अरे क्या कर रहा, चल जाओ तलाशी होगी। अरे कैसे तलाशी होगी, छोड़ ये क्या, ये बना मार दिया क्या। अरे जो क्या बात है शायद, तुम मुझे छोड़ो। वो जो टोली जा रही ना, उसमें जो काला बुरका है वही है, तुम जाओ तुम जाओ। अरे ला के मिला चौकी में मिलेगा। अरे बात का मारे तो क्या हुआ तुम्हें, मुझे कुछ नहीं हुआ, वो तो वो लोग जा रहे हैं ना बात के आगे। जल्दी लपक जाओ, तुम भी जल्दी जाओ, चलो। अच्छा ये बात है, क्या बात है। अरे क्या बात क्या है, कमाल कर। अरे मजा करे। अरे असलम कहाँ है वो, अभी अंदर गई है सब, यहीं खड़े रहो, यहीं से लौटेंगे। मगर यार उधर भी तो एक दरवाजा है। हाँ उधर से निकल गई तो जाओ यार, तुम उधर चले जाओ।
मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? वो अमा सात औरतें एक साथ है, उसमें जो काला बुरका है ना, बस वही है। अमा जाओ ना यार, जाओ। जो दे उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। अरे बाबा आप कमबख्त हो, नालायक हो, इस अल्लाह वाले फकीर को क्यों पकड़ के लाए? कुछ तो खुदा का खौफ करो। बच्चा अगर इन कदों को जरा भी खुदा का खौफ होता तो ये बेहुदा हरकत नहीं करते। कुछ परवाह नहीं, हमने इस गधे को माफ किया। अच्छा बच्चा, हम चलता है। अबे जाता कहाँ है? हुजूर ये कोई पीर फकीर नहीं, ये तो पक्का 420 बदमाश है। ये देखिए, ये बात है। अरे जी हाँ, खानदानी गिरा का था उल्लू का पट्टा। राम सिंह देखिए ना हुजूर, किसी का कैमरा मार दिया है, खोल कर देखता हूँ इसने भी कुछ छिपा रखा। अरे अरे लाइट लग जाए, क्या करते हो कमाले? अबे हट। अब्बा क्या उल्लू का पट्टे? मेरा मतलब है ताजपोशी का मुस्ताक तो मैं हो ही चुका हूँ, लेकिन ये प्रोग्राम घर पर ही रखा जाए तो ठीक होगा। खामोश। बता ये भेष क्यों बदल रखा? ये भेष हाँ, वो इसलिए कि बहुत से चोर उचक के पुलिस वालों का भेष बदल कर चोरी करते हैं, उनको पकड़ना चाहता था। तू बकता है? बकता नहीं अब्बा, मैं सच कहता हूँ, मैं तो उस नालायक को पकड़ लेता अगर ये मुझे न पकड़ लेता। आप कहें तो मैं अभी सबूत पेश करता हूँ, मैं उसको अभी पकड़ कर लेकर आता हूँ। अरे खड़े मुंह क्या देख रहे हो? मुझे इस पर कोई भरोसा नहीं, कहीं भाग ले जाए, जाओ इसके पीछे। ये है वो साते शरीफ, निकालो माल की तरह चोरी का। यही है मेरा दस्तबंद, यही है देखिए। ये बटुआ मेरा है साहब। क्यों बे? नहीं जी, नहीं साहब। बैठ जा। मुंशी जी लाइए कैमरा। मैं तो इसलिए लाया था कि चोरी करते वक्त इन कमबख्तों की फोटो खींच लूं और आपको दिखाऊं, लेकिन इन्होंने सब बना बनाया काम बिगाड़ दिया। इधर आ बेटे, इधर आ। देखा मुंशी जी, क्या कहने? शाबाश। वल्ला शाबाशी की क्या जरूरत है, आप ही का तो बेटा। अरे मुसर्रत, अब कहाँ चले बेटा? यूं ही जरा एक मामला और देखना है, मेरा मतलब है इसी टाइप का। नहीं नहीं, बैठ मेरे पास। आइए बेटी। मुंशी जी। हाँ जी। मेरे बेटे के लिए एक ग्लास ठंडा शरबत मंगवाइए। बहुत अच्छा। आए तो क्या गरम मंगवाऊं? न ठंडा न गरम, उधर हो रहा है मामला नरम। अमा लाहौल बोला, खड़े खड़े ये वक्त हो गया, उधर से निकली नहीं, इसी यक्के में है वो काले पुखे वाले। अब इसका पीछा करना चाहिए। अरे बबन मियाँ, साइकिल तो देना। देखो तुम भी जल्दी चले। मगर वो शायदा। अम्मा शायदा को मारो गोली, तुम जल्दी चले। यहाँ क्यों खड़े हो? इसी घर में तो गई है वो। इस घर में? वाकई? हाँ, तजुब क्यों है तुम्हें? इसलिए कि मेरे चाचा का मकान है। ठीक कहते हो ना, गलत फहमी तो नहीं हुई? अमा कमाल करते हो। अरे भाई वो लड़की है काले बुरके वाली, पीछा करता आ रहा हूँ, मैंने ठीक से देखा है, कोई लड़की है तुम्हारे चाचा की? हाँ हाँ, नसीमा। नसीमा है ना? हाँ भाई बहुत खूबसूरत है। तो फिर वही है। जाओ यार अभी पैगाम दे दो, और अगर पर दिखाने की जरूरत हो तो वहीं से सीटी दे दे। अमा जाओ यार, परेशान कर दिया तुमने, लड़की बगल में और ढिंडोरा शहर में। लो साइकिल पकड़ो अब यार। दिल धरने की जगह नहीं थी, उस पर गर्द और धूल की तौबा ही भली। जी मैं आ सकता हूँ? असलमिया
जी भाईजान आओ बेटे आओ आधा वर्षे जीते रहो आधा वर्षे बैठो बेटे बैठो बैठो बहुत दिनों के बाद आए बेटे तुम तो जैसे भूल ही गए हम लोगों को जी नहीं चाची फुर्सत ही नहीं मिलती दुकान से कहाँ से आ रही हो नसीमा है बनते क्यों है जानते थोड़ी है जैसे आप अरे भाई बताओगी भी क्या बात है चलिए रहने दीजिए भाभी जान ने मुझे सब बता दिया है कल आप लोगों में शर्त हुई थी कि आप अपने दोस्तों से भाभी जान का सामना करा देंगे और परेशान करेंगे पहले तो एक साहब नवाब ये क्या नाम बताया था उन्होंने वो पीछा कर रहे थे फिर मजार के अंदर से हम लोगों ने देखा कि आप भी उनसे आ मिले कुछ बातें की और इशारे भी फिर तो हम लोगों ने ऐसी ऐसी तरकीबें की वो चक्कर दिए कि कुछ का कुछ हो गया मगर भाईजान ऐसा भी क्या अपनी बीवी को किसी गैर मर्द को क्यों दिखाते हैं बड़ी खराब बात है अरे वो तो यूं ही मजाक हुआ था तुम्हारी भाभी से दरअसल हम तो तुम्हें ढूंढ रहे थे तुम्हें मुझे तो क्या मजार पे मेरी भेंट चढ़ानी थी परसों हमारे यहाँ आ जाना वहीं बताऊंगा तुम्हारी भाभी के सामने भाईजान खैर तो है भाभी जान ने भी परसों ही बुलाया है और आप भी न्योता दे रहे हैं आखिर बात क्या है बताइए ना जाओ बुरका रखाओ पहले फिर बताऊंगा चलो जल्दी चची अरे बेटा तेरे मुंह में घी शक्कर खुदा की कसम अगर ऐसी बात है तो इसी चाह तो पक्की कर दूं आपकी तरफ से कोई गड़बड़ तो ना होगी अरे बेटा तेरी जबान एक तरफ और सारी खुदाई एक तरफ मजारे का फर्क आ जाए बस तो ठीक है
अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले बेदर्दी मेरे सैया शबनम है कभी शोले बेदर्दी मेरे सैया बेदर्दी मेरे सैया बेदर्दी मेरे सैया शबनम है कभी शोले अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले। बाबा वक्त खत्म हो गया है, तशरीफ ले जाइए। हमारा वक्त तो अब शुरू हो रहा है बच्चा। अमा शहदा साहब, काहे कोई ढोंग रचा रखा है? पहचान लिया तुम्हें? मैंने कहा हुजूर, खैर तो है? खैरियत काहे की, अब्बा हुजूर ने जगह जगह पहरे बिठा रखे हैं, और अगर घर में ठंडी आह भरता हूँ तो गर्दन थाम लेते हैं, पर रुक न सका शौक मेरा, रखना घरों से मैं आ ही गया उड़ के मोहब्बत के परों से। खाला बीबी ने सुन लिया तो ये मोहब्बत के पर काट के रख देंगी। मैं उनकी कैंची गायब कर दूंगा, फिर कैसे काटेंगी? एक दोस्त की शादी हो चुकी है, दूसरे की होने वाली है, अब बचा मैं, तो फौरन हाँ कर दो, वरना वरना क्या जी? वरना हाँ, यही रंग लेकर जंगल की तरफ निकल जाऊंगा, और मरते दम तक जबान पर एक ही बोल होगा, बेदर्दी मोरे सैया शबनम है कभी शोले, अंदर से बड़े जालिम बाहर से बड़े भोले। ये देखिए अम्मी, ये सेट। माशाल्लाह। इतनी अजीब बात है अम्मी, असलम की शादी मैंने करवाई और मेरी शादी असलम करवा रहा है, वो भी अपने चचा की लड़की से। हाँ बेटे, ये सब किस्मत का सौदा है, किताबों में भी यही लिखा है कि जोड़ा आसमान पे बनता है। और ये देखिए अम्मी, नवरत्न हार कितना खूबसूरत है, आपको पसंद है ना? मुझे तो सभी जेवर अच्छे मालूम होते हैं बेटे, मगर मेरी राय में तो इन्हें असलम के पास ले जाओ, वो मियाँ बीवी जो पसंद करेंगे वही ठीक होगा, क्योंकि जमाने के मुताबिक उनका मजाक है, और फिर हो सकता है कि वो लोग लड़की से भी पसंद करवा लें, रिश्तेदार है ना आखिर। क्या बात कही अम्मी जान, लाइए। है शुभ्रातन, ठहर जरा निगोड़ी, सर पे बैठे और तू खाक उड़ाई जा रही है। बीबी जरा भर के लिए आप मर्दाने में चली जाइए। तू रुक तो पहले। आए हैं शायद, रेहाना के भाई जी, कह दे वो चले गए, दुकान पर होंगे। अच्छा बीबी। जी ये कहा है कि मियाँ? क्या कहा है? यही कि मियाँ दुकान तशरीफ ले गए। अच्छा मैं जाता हूँ, मेरा सलाम कह देना दोनों को। दोनों को? अम्मा असलम। क्या है मियां? भाई कमाल हो गया,
चलो उठो उठो उठो। मामा खैरियत तो है, एक बात क्या? अरे उठो तो सही, बस चले चलो मेरे साथ फौरन। ओहो बताओगे नहीं? अम्मा यार क्या बताऊं, आज तो फिर मर गया। पहेलियां बुझाओगे? अम्मा वो तुम्हारे यहाँ आई हुई है। वो कौन? ओहो तौबा मेरी भाई, नसीमा। और कौन? अम्मा हाँ मैं तो भूल ही गया था, परसों मैं ही क्या था आज के लिए। ये जेवरात लेकर गया था कि तुमसे और तुम्हारी बीवी से पसंद करा। बैठक का दरवाजा खोला, किस्मत खुल गई, यक बारगी सामना हो गया। हमें यार आंखें चुंदी आ गई, हाय अल्लाह के कर वो उस तरफ भागी और इधर मैं दिल थामे तुम्हारे पास आ गया। चलो भाई जल्दी करो, और हाँ कोई चीज पसंद हो या ना हो, ये हार मेरी तरफ से नसीमा के गले में डाल देना और कहना ये इस अचानक दीदार का नजराना है। चलो ना। अच्छा भाई चलता हूँ, जरा मुनीम जी आ जाए, गद्दी खाली है, बस आते ही होंगे, यही बैंक तक गए हैं। गजब है, मुनीम को भी बैंक की सूझी तो किसी वक्त। अरे भाई बैठ जाओ ना, जब तक बैठूं क्या? हाँ यहाँ सब्र के बैंक का दिवाला हुआ जा रहा है। तो यूं करो, मैं हार लेकर चलता हूँ, नसीमा और तुम्हारी भाभी दोनों को राजी करके बिल्कुल सामने बिठाता हूँ, तुम यकबागी दरवाजा खोल देना। आफ्ताब और महताब दोनों सामने, जब दोनों उयला कहकर भाग जाएंगे तो हम ये भी फैसला कर लेंगे कि मुकाबले में किसकी बीवी अच्छी है। जीते रहो मेरे दोस्त, जब तक जीत जाए। लाओ मिलाओ हाथ, क्या बात निकाली। अच्छा तो मैं चलता हूँ, उड़ के पहुँचना उड़ के। हाँ हाँ मगर बदहवासी में मुनीम जी के आने से पहले ना भागिए। हाँ जा भी चुको। ओ, ओ, जूता तो पहन लो। बेगम, बेगम आप, ये क्या है? हाय कितना अच्छा है। मेरे लिए लाए आप? अरे भाई पसंद है तो तुम्हारे लिए भी आ जाएगा, ये तो नवाब साहब ने भेजा है। किसके लिए? नसीमा के लिए। मगर वो है कहाँ, पहले वो तो पसंद कर ले। वो तो अभी नहीं आए, कब से इंतजार कर रही हूँ। क्यों मजाक कर रही हो? नसीमा, ए नसीमा। अल्लाह जानता है झूठ नहीं, वो अभी नहीं आए। हाँ अलबत्ता आपके नवाब साहब आए थे, बेधड़क उन्होंने दरवाजा खोल दिया और मेरा सामना हो गया। हाय अल्लाह कहकर मैं तो भाग गई, बड़े खराब हूँ। तुम्हारा सामना हो गया उनसे? हाँ मगर इसमें मेरी क्या खता, कमरे में शुभरातन झाड़ू दे रही थी तो मैं मर्दाने में चली गई। तो नवाब साहब ने नसीमा को नहीं तुमको देखा है, तुम उन्हें पहचानती हो? हाँ इसी तरह एक धोखा हो गया था, उनकी बहन की सालगिरह थी, उस दफा तो मैंने ऐसा कस के बेत उनकी पीठ पे मारा था, ऐसा कस के मारा था कि बस रे बस। अम्मा क्या लहरदार चोट है, सालिम ने क्या बल खा के मारा होगा, बिल्कुल नागन की तरह। मगर ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? हाँ मकाबिला जरूरत किसी गैर मर्द का नाम या जिक्र मेरे जबान पे आता ही क्यों? क्या सोच रहे हैं आप, देख लिया तो क्या हुआ, कोई इतनी बुरी तो नहीं, मैं अंधी हूँ लंगड़ी हूँ कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे? ये बात नहीं। तो फिर क्या है बताइए ना। पहले जरा पानी लिया। पहले तो एक साहब नवाब ये क्या नाम बताया था उन्होंने, वो पीछा कर रहे थे, फिर मजार के अंदर से हम लोगों ने देखा कि आप भी उनसे आ मिले, कुछ बातें की और इशारे भी, फिर तो हम लोगों ने ऐसी ऐसी तरकीबें की, वो चक्कर दिए कि कुछ का कुछ हो गया। पानी। जी क्या उस दिन उर्स में तुम और नसीमा दोनों ने काले बुरके पहन रखे थे? नहीं तो नसीमा तो सफेद बुरके में थी, मैंने आप लोगों को धोखा देने के लिए अपना काला बुर्का उसे दे दिया था।
फिर क्यों चुप हो गए? क्या कोई शर्त थी आप लोगों में कि वो मुझे नहीं देख सकते और यूं देख के ये बदतमीजी और ओछापन है उनका? बेगम, नवाब के खिलाफ कुछ नहीं कहना, वो मेरा जानी दोस्त है। तो बताइए ना, फिर क्या बात है? कुछ नहीं, यूं ही। तुम पानी नहीं लाई? हाय अल्लाह, दिया तो अभी। और क्या? आपको मेरी वजह से तकलीफ है, मैं माफी चाहती हूँ। अब कभी मर्दानी कमरे में नहीं जाऊंगी। पगली, अच्छा मैं दुकान जाता हूँ। और ये हार नसीमा है तो उसको दे दूँ? अब तो तुम ही रख लो। और मुअज्जिन ही आशिक की जान के लिए क्या कम थे कि तीसरे ये कमबख्त मुनीम भी शुरू हो गए। अमावा, अच्छा फांस के चल दिए। वो मुनीम का बच्चा तो अभी तक आया नहीं और तुम वापस भी आ गए। हार पसंद आया? ये काम किया है तुमने दोस्त हो ना, आखिर किस दिन काम आओगे? भाई सच पूछो तो तुम्हारे और शहदा के बलबूते पे आज की थी मैंने, वरना मेरे लिए तो मौलवी साहब की सीधी सारी लड़की ही काफी थी। दिल के बहलाने की सूरत हो गई। अमा लाखों में क्या, करोड़ों में एक है। देखो देखो कैसी आंख है, दिलो ईमान छीनने वाली। ये नाक, ये नक्शा, ये तबस्सुम, ये क्या? एक लड़की ये भी है। अमा हटाओ, इसे तो पांव भी न दबाओ। ये है ये मेरी जान, मेरा ईमान, मेरी जिंदगी, मेरा सब कुछ। छूट भी जाते हैं। आज तक हकीकत
वही बन गए फसाना, मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। बहार कैसी आई जो खिजा भी साथ लाई, ये बहार कैसी आई जो खिजा भी साथ लाई, मैं कहाँ रहूं चमन में मेरा लुट गया ठिकाना, मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। मुझे रास्ता दिखा कर मेरे कारवां को लूटा, मुझे रास्ता दिखा कर मेरे कारवां को लूटा, इधर आ गले लगा लूं तुझे गर्दिश जमाना, मिली खाक में मोहब्बत, जला दिल का आशियाना। जो थी आज तक हकीकत वही बन गई फसाना, मिली खाक में मोहब्बत। अरे डरने की कोई बात नहीं है, नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। नाश्ता जूतों का आ गए सुबह सुबह मोहल्ले भर के। पागल हुआ है, अंडे पराठे हलवा। ठहरिए ठहरिए, पहले ये बताइए दिन है या रात। अरे गधे दिखाई नहीं देता, सूरज निकला हुआ है। किधर से? पूरब से। झूठ, अव्वल तो ये सूरज नहीं, और अगर सूरज है तो पूरब नहीं, वरना वालिद साहब और मुझे बुलाए नाश्ते पर, और फिर हलवा पराठा अंडे। अरे वो तुझसे बहुत खुश है, और अब तो तेरी नौकरी भी ठीक कर रहे हैं। तबीयत तो नहीं ठीक करेंगे ना? नहीं नहीं नहीं। अच्छी बात है, आपका जिम्मा, कहीं ऐसा ना हो बिना नोटिस ताजपोशी शुरू हो जाए। चल तो जल तू जलाल तू साहब कबार तू अंदर को काम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बदतमीज, अम्मी को तो आ जाने दे। जल तू जलाल तू साहब कमाल तू आई बला को डाल तू। जल तू जलाल तू साहब कमाल तू आई बला को डाल तू। अरे चलना किधर किधर? अरे इधर इधर या ख्वाजा किधर? अदालत से बहुत आओ आओ मुसर्रत मियां आए। अबे ये क्या बदतमीजी थी? अबे मैं पूछता हूँ टोपी कहाँ गई? टोपी सुबह निहारू दूध पी रहा था, उसमें शायद गिर गई, बालाई समझकर खा गया। देख ली अपने बेटे की शरारत। अबे मैं तुझे अच्छी तरह से जानता हूँ, बैठ जा मैं कहता हूँ। अम्मी जान आप बीच में आ जाइए, मैं अपने अड्डे पर ठीक हूँ।
ले बेटा अब बिस्मिल्लाह कर। मैंने कहा मुसर्रत मियां जी, सुपरिंटेंडेंट साहब तुमसे बहुत खुश हुए जब मैंने तुम्हारी वो सिपाही पकड़ने वाली कारगुजारी उन्हें सुनाई। पूछने लगे कहाँ तक पढ़ा है। मैंने कहा जी बीए पास है, कानून पढ़ रहा है। बड़ी मेहनत कर रहा है बेचारा। अजी जब ही तो सुपरिंटेंडेंट साहब ने कहा कि फौरन ले आओ, मैं उसे दारोगा बना देता हूँ। मेरा बेटा थानेदार बनेगा? अरे थानेदार का बेटा थानेदार नहीं तो क्या चौकीदार बनेगा। मुझे थानेदारी मंजूर है लेकिन एक शर्त पर। क्या? वो ये कि मुझे 10 सिपाही दे दिए जाए ताकि वो कमबख्त बदनसीब जिन्होंने मुकद्दस और मुबारक वलियों की दरगाहों को तमाशागाह और अय्याशी की जगह बना रखा है पकड़ पकड़ कर इतने दुर्रे लगाऊं कि खाल तक खींच जाए। अबे नेकी और पूछ पूछ, इतना काम करेगा तो मुझसे पहले इंस्पेक्टर बन जाएगा। अजीब बात, आप कहते हैं दुकान से आ रहा हूं, मुनीम जी रुपए लेकर आए थे, शाम तक बैठ कर गए हैं। वो कहते थे आप दुकान पर एक हफ्ता से ठीक से बैठते ही नहीं, कभी घड़ी भर के लिए चले गए, कभी दो घड़ी। बेगम दरअसल परेशानी में कुछ का कुछ कह जाता हूँ। मगर परेशानी क्या है आपको? परेशानी बात यह है कि एक अनमोल हीरे के सौदे में धोखा या नातजुर्बेकारी से कुछ ऐसी गलती हो गई है कि इस मामले को अभी न सुलझाया गया तो एक न एक की तबाही लाजमी और यकीनी है। आपका क्या ताल्लुक है इससे? यूं समझ लो, बैठ जा पहले। आज तुम्हारे मुंह से फाल खोलता हूं, जैसे तुम कहोगी वैसे ही होगा। देखो दो दोस्त हैं बड़े गहरे, जैसे हम प्यारे मियां या शायदा। उनमें से एक दोस्त को एक हीरे की तलाश थी और वो हीरा अनजाने में उसे मिल भी रहा था, मगर वो हजरत ये न समझे कि ये वही हीरा है और पत्थर समझकर दूसरे दोस्त के हवाले कर दिया। उस दोस्त को जब पता चला कि ये तो वही हीरा है जिसके लिए मेरा दोस्त जान देता है और उसकी तलाश में अब भी सर करता है, तो बताओ उस दोस्त का क्या फर्ज है जिसके पास हीरा है? बस यही फैसला मुझे करना है। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें भी तो हक है, तुम ही फैसला कर दो। मेरी राय में तो दूसरे दोस्त को वो हीरा पहले दोस्त को वापस कर देना चाहिए। यही मैं भी चाहता था, मगर ये देखकर कि दूसरे दोस्त ने उसकी शक्ल बदल दी है, अंगूठी में चढ़वा लिया है, अपने जिस्म जान की जीनत बना रखा है, ये फैसला करते हुए जरा झिझकता हूं। दोस्ती के मानी है कुर्बानी, और कुर्बानी जितनी बड़ी होगी दोस्ती का दर्जा उतना ही ऊंचा होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई और फैसला किया तो आप पर हर फायदा। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। आदाबर सर। हुजूर। मुनीम जी आप कद हैं? हाँ हुजूर, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। आपने बेगम से ये क्यों कह दिया कि मैं दुकान से गायब रहता हूँ? इसलिए कि यहाँ नुकसान होता है। सिर्फ इतना कहा था कि काम के वक्त न रोका करें घर पर आपको। ओ, मगर ये आपको कैसे मालूम हुआ कि हर वक्त मैं बेगम साहिबा के पास बैठा रहता हूँ? जी तब तो मैं वाकई कहता हूँ। आइंदा एहतियात है। बहुत खूब। और ये सैंपल? मैं तो बिल्कुल बहुत बेहतर। मुनीम जी। हुजूर। मुनीम जी आप कोई तरकीब जानते हैं? काहे की सरकार,
बीवी से अलहदगी की, यूं कहिए कि छुटकारा पाने की। अजी हुजूर एक छोड़ हजारों। मसलन शराबखोरी, अय्याशी, नाच रंग, लड़ाई झगड़ा, आधी रात के बाद घर पहुंचना, कभी कभी पहुंचना ही नहीं, कहीं सो रहना वगैरह वगैरह, बदनामी लाजमी होगी। बस दो ही दिन में तंग आकर बीवी खुद ही मैके चली जाएगी। उसके माँ बाप तलाक के लिए जोर देंगे, और आपके यहाँ तो ये भी चलता है। मगर ये सब आप किसके लिए पूछ रहे हैं सरकार? अच्छा मुनीम जी, ये सब अगर सिर्फ दिखावे के लिए किया जाए, मेरा मतलब है दुनिया समझे वो ऐसा करता है और दरअसल वो कुछ भी ना करे, तो इसमें पूछने की क्या बात है सरकार? आपने ये मसल नहीं सुने? बद अच्छा, बदनाम बुरा। तो यूं कीजिए, आज शाम को आप मेरे घर चले जाइए और बेगम से कह दीजिए कि मैं जरा देर से घर आऊंगा। राम राम राम, सरकार अभी से। आंधी आ रही है शायद। जाने असलम मियां कहां रह गए, 10 बज गए। क्या हमेशा रात को इतनी देर से आते हैं? नहीं तो अम्मी, आज ही कोई खास बात हो गई है, कारोबार के सिलसिले में बैठ गए होंगे कहीं। फिर भी तुम्हारा क्या ख्याल है, कहां होंगे वो? मुन्ने भाई, खुदा की कसम तुम्हारे लिए घर भेज दूंगा। आदाब रे हुजूर, क्या सोच रहे हैं बंदा परवर? अजमल मियां, ए अजमल मियां, क्या है? देखो ना, तुम्हारे बनोई कोठे झांकते फिर रहे हैं। इस वक्त ये हजरत यहाँ कैसे? और देखो दलाल भी साथ में चिपका हुआ है। देख रहा हूँ। अकमल, अकमल आइए ना। अरे आइए हुजूर।
बदले तो जमाने की हवा ही बदले, वो जो बदले तो जमाने की हवा भी बदले, दिल की खुशियाँ भी गई घर की फजा भी बदली, सुनी सुनी दरो दीवार नजर आते हैं, सुनी सुनी दरो दीवार नजर आते हैं, घर की बर्बादी के आसार नजर आते हैं, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, बदले बदले। वापस कर देना चाहिए। दोस्ती के मानी ही कुर्बानी, और कुर्बानी जितनी बड़ी होगी दोस्ती का दर्जा उतना ही ऊंचा होगा। इसके अलावा अगर आपने कोई और फैसला किया तो आप पर हर्फ आएगा। हमारी दुकान की खास चीज है। आदाब है। अरे आदाब है। आओ भाई आओ। आप लोग इस वक्त जाइए, कपड़े यहीं रहने दीजिए, जो पसंद आएंगे उनके दाम मिल जाएंगे। बहुत अच्छा हुजूर। आदाब। आदाब। आ हा हा वाह वाह वाह। भाई शादी की तैयारियां हो तो यूं,
निगाहें रोशन अली हो गई। मगर तुम क्या हो गए हो? फौज में भर्ती हो गए हो, थानेदार बन गए हो। अम्मा ये सब तुम्हारी आशती का तुफैल है। क्या क्या गुल खिला है इसने बाप। सीधी इनाक तो तुम पकड़ोगे नहीं, जब पकड़ोगे घुमाकर। मेरी आशिकी से क्या मतलब? अमां नसीमा की तलाश में जो नकली सिपाही गिरफ्तार करवाया था ना, वाली साहब ने कहीं जोश में आकर सुपरिंटेंडेंट साहब से कह दिया, बहुत खुश हुए, इंटरव्यू के लिए बुलाया और थानेदार बना देने का वादा फरमाया। अब बोलो है कि नहीं तुम्हारी आशिकी का तुफैल? बस खाकी लिबास पहनकर अभी से थानेदारी की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। वाकई यार ये तो बड़ी बात हुई। असलम को मालूम है? अमां वो मिलता ही नहीं, उसे ही देखने के लिए तो मैं यहाँ आया था। मेरा ख्याल था तुम दोनों इकट्ठे मिलोगे। अमा यार नहीं, मैंने तो हफ्तों से शक्ल नहीं देखी उसका। देखी जाने कहाँ रहता है कमबख्त? अरे हाँ शायद वहां होगा। कहाँ? अमा यार वही मेरी ससुराल में शादी ब्याह के फेर में होगा। ना वो वहां भी नहीं जाता। मैं उसकी दुकान पर गया तो मुनीम जी ने कहा वो यहाँ भी कई दिन से नहीं आए, कुछ गड़बड़ है सरकार। मैंने पूछा क्या तो गोलो क्या कमबख्त, बहुत कुरेदा मगर टालता ही रहा। मेरे ख्याल में असलम और बेगम की बनी नहीं, इसलिए हजरत कहीं और उलझ रहे हैं। क्या बात, क्या बात करते हो यार, याद नहीं बीवी की कितनी तारीफ किया करता था। वो शुरू शुरू की बात थी मियां, अनबन होते कुछ देर नहीं लगती। चलो कोई बात नहीं, पता लगा लेते हैं। ये भी लाइए। हमारा लाओ ना यार। कसम खुदा की किस नालायक ने उक्का भर दिया। ओहो माफ करना आपने भरा था। जरा सूरत तो देख अपनी, इतना सा मुंह निकल आया है मगर तू छुपा ही जाती है। अरे तेरे भाइयों ने उसे कोठे पे चढ़ते देखा है, क्या झूठ कहेंगे वो? अम्मी अगर ये सच भी है तो उसी वक्त तक, जब तक वो आकर इसे इनकार न कर दे। तू तो शोहर परस्ती में अंधी हो गई है अंधी, तुझे उसका कोई ऐब नजर ही नहीं आता। मगर याद रख इस बात की रोकथाम न की गई तो एक दिन हम सबको सर पे हाथ रख के रोना पड़ेगा। आप लोगों को गलत फहमी हुई है अम्मी, वो हरगिज ऐसे नहीं है। आई है आज तो जाते बन आई है।
देखिए जो मुनासिब समझिए ले लीजिए। मेरे लिए यहाँ के तौर तरीके कुछ नए नए से हैं अभी। कोई बात नहीं, सीख जाइएगा आहिस्ता आहिस्ता। कोई आ गया? आने दीजिए, मेरा यहाँ आने का मकसद ही यही है कि यहाँ आने वालों से मेलजोल बढ़े, शोहरत हो। ओफो। अरे शहदा साहब। क्यों भाई, क्या बात है? आज दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों? क्या ओ, ओ आप और यहाँ तब काहे को मिलते भला? तुम क्या मुझे ढूंढ रहे थे? हमारा कुछ हाथ भी हो ढूंढने की? कई दिन से दीवाना बना रखा है तुमने। तो ठीक ही निकला अपना ख्याल कि तुम कहीं उलझ रहे हो। खैर कुछ परवाह नहीं, समीरन कान खोल कर सुन लो, जिसके लिए मैं खास तौर से यहाँ आया हूँ। हाय अल्लाह, सुन तो रही हूँ, कोई भैरी थोड़ी हो गई हो? आज के चौथे रोज नवाब साहब की बारात में तुम्हें तख्ते रवा पर नाचते हुए चलना होगा। बारात बड़ी धूमधाम से निकलेगी। क्या चार ही दिन रह गए बारात को? और नहीं तो क्या। मगर तुम्हें अब किसी चीज का पता क्यों होने लगा? आप इन्हें जानते हैं? लीजिए और सुनिए, वो मसल सुनिए ना, एक जान और दो कालिब। हाँ हाँ। गलत, बिल्कुल गलत, एक जान और तीन कालिब। ये हम और नवाब साहब। अरे वही जिनकी बारात में तुम्हें चलना होगा। अच्छा अच्छा, अच्छी बात है तो मैं चलता हूँ, लिहाज रहे मेरे दोस्त हैं। तुम तो शायद बैठोगे अभी। बैठो बैठो। मेरे ख्याल में सिर्फ पीना बाकी रह गया है, ये कसर भी पूरी कर ही डालो। भेज तू दो चार बोतलें। न छेड़े नकते बादे बहारी, राह लग अपनी, तुझे अखेरिया सूझी है।
कार बैठे आप और आप भी खैरियत तो है, अब तक तो थी मगर अब नहीं। क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है और सिर्फ दो लफ्जों में, या तो अपना चाल चलन संभालो या मेरी बहन को तलाक दे दो। ये बात है तो सुनिए कान खोलकर, चाल चलन मैं संभालूं या न संभालूं ये मेरी जाती चीज है, इसमें आपको बोलने का कोई हक नहीं। अब रही दूसरी चीज, वो आपकी बहन का मामला है, उसमें आपको हक जरूर पहुंचता है, मगर पहले मेरे चंद सवालों के जवाब दीजिए। अगर मैं तलाक दे भी दूं तो क्या होगा उसके बाद? नवाब का सरमंडेंगे हम उसको, जिसने हमारे बाप को धोखा देकर हज के लिए भेज दिया और शादी अपने बजाय तुम जैसे नामाकूल से कर दी। यही तो जुल्म हुआ। यकीनन जुल्म हुआ। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। क्या नवाब साहब तैयार है इसके लिए? तैयार होना पड़ेगा, कोई मजाक है? तो ठीक है, मैं अभी तलाक देने को तैयार हूँ, इसी वक्त, खुदा की कसम बड़ी खुशी से, मगर इसी शर्त पर कि निकाह हो बाद में तो सिर्फ नवाब के साथ, और अगर नवाब साहब न माने तो? तो कभी नहीं दूंगा, कयामत तक नहीं, सीधे के टेढ़े। अच्छा, मारने आए हो मुझे? बेशक। ठहरो, डरो नहीं, मैं तुमको नहीं मारूंगा, तुम मेरे अजीज हो। ये लो, चाकू से मारोगे तो ठीक से न मार सकोगे, मैं कातिल हूं, वार ओछा लगेगा, इससे कोई गड़बड़ ना होगी, बस दबाते चले जाओ, मैं तुम्हारे एहसानों से तप जाऊंगा। मारो मारो, मैं कहता हूं। ठहरो मेरे सरताज, मेरे मालिक, अब मारो। क्या एक को शहीद करके जन्नत में और दूसरी को बेवा करके जीते जी जहन्नम में झोंक दोगे? तुमको खुदा की कसम, मारो। बस फिर गया हूं, बहन अपना खून है इसलिए। जमीला, अम्मी आपने मुझे लड़कपन से सिखाया है कि शौहर के पांव के नीचे जन्नत होती है, आज मैं वही जन्नत लेना चाहती हूँ तो तुम्हारे आती हो? क्या दुख है मुझे, दौलत चलो मैं दिखाती हूँ, तिजोरी भरी पड़ी है इतनी कि हमारे सात पुरुषों ने ना देखी होगी। आज ही बजे ये घर आ जाए, पांव फैलाकर सो रहूं, क्या मिला खिदमत का मौका मुझे? नहीं, जितनी देर ना है रात भर ना है इंतजार करूंगी, जिस वक्त आए खादिमा की तरह खाना खिलाऊंगी, पांव दबाकर सुलाऊंगी, जन्नत बीवी को पांव दबाकर ही मिलती है। बेटा सुनो तुम। नहीं, तुम सुनती जाओ, और तुम भी। मैं इनकी बीवी नहीं, कनीज हूं, लौंडी हूं, इनकी एक मुस्कुराहट पर अपनी जान कुर्बान कर सकती हूँ। चलाओ गोली और दोनों के एक साथ शहीद कर दो। अब कहाँ जाते हो? जाते हो तो सुनते जाओ, तुमने जो कुछ चाहा बहुत बुरा चाहा, फिर कभी मुंह ना दिखाना मुझे, समझना जमीला तुम्हारे लिए मर गई और तुम जमीला के लिए। आपसे शिकायत की जरूरत इसलिए हुई कि ये शादी आपने कराई थी, और यकीन कीजिए नवाब साहब, जो कुछ भी आपसे कहा है एक एक लफ्ज सच है। शहदा से मुझे सब कुछ मालूम हो चुका है, अब आप घर जाइए और अपनी वालिदा साहिबा को मेरा सलाम कहिए, और ये कहिए कि मैं मरा नहीं, जिंदा हूं अभी। उनकी बेटी फूलों की सेज भी झूला झूले, इत्मीनान रखे। खुदा आपकी जबान मुबारक करे। अब बताओ किसकी रोकथाम कैसे की जाए? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। तमीजन ने कई बार कहा है कि वो जब भी आते हैं बार बार यही कहते हैं, कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कि बीवी को भूला रहो। अहमक हो यार, अम्मा इसमें सोचने की क्या बात है, साफ जाहिर है कि वो तमीजन को अपनी बनाना चाहता है, वरना तमीजन के पास बीवी को बुलाने की और तरकीब क्या है? लेडी डॉक्टर है या वो मेस्मरिज्म जानती है? अम्मा, अम्मा क्यों शक में डालते हो? देखो पतलून ले लियोगे। यही तो कहता हूँ कि कुछ तरकीब कर लो,
वरना दिमाग भी ढीला हो जाएगा। दिमाग भी ढीला हो जाएगा? किसका? मेरा क्या, असलम का? उसका तो हो चुका, अब अगर तमीजन चली गई तो तुम्हारा भी हो जाएगा। अम्मा क्या कह रहे हो, उसको तो मालूम है कि तमीजन मेरी है। आखिर होना अहमकुल लजी। वो कैसे भाई? बताता हूँ, आओ बैठो। कई बार तुमसे कह चुका हूँ कि औरतों के मामले बहुत टेढ़े होते हैं, कोई जान के उन पे कब्जा करना चाहता है और कोई अनजाने में। चलो हो गई छुट्टी। अम्मा वो कहती भी थी कि तुम हमेशा दरोगा होने की धमकी दिया करते हो, किसी दिन ऐसी जगह चल दूंगी कि रजाओ को ढूंढते। बिल्कुल, अब बताओ क्या राजा है तुम्हारा? यही कि तमीजन अगर उसको पसंद है तो उसकी। भाई मेरी राय में दोस्त अगर दोस्त के लिए इतनी भी कुर्बानी ना कर सके तो वो दोस्त कहलाने का मुस्ताक भी नहीं। बहुत खूब, वाह वाह, आप इसे कुर्बानी कहते हैं? हाँ। अमा ये कुर्बानी नहीं, कत्ल है दोस्त का जो आप कर रहे हैं, बल्कि कत्लेआम कहिए। अमा असलम और तमीजन जब दोनों ही राजी तो फिर कत्ल किसका हुआ? मेरा, असलम का, और शायद तुम्हारा भी। अमा मेरा कैसे? सुनो, तमीजन असलम के घर गई नहीं, ये साले साहब जो अभी गए हैं दोनों को जान से मार देंगे। इस दीवानगी में कि अपनी बहन यानी असलम की बीवी को मेरे सर पटक दे, जो इनकी मुद्दत से ख्वाहिश है, और मैं अपने मरे हुए दोस्त की बीवी से शादी तो ना करूंगा, अलबत्ता इन दोनों भाइयों के सीने से मेरी गोली पार हो जाएगी। फिर क्या, मुझको फांसी हो जाएगी? इस तरह से मैं जाऊंगा, असलम जाएगा, वो दोनों साले जाएंगे, तमीजन जाएगी तुम्हारी, और तुम भी खैर मरोगे तो नहीं, बहुत बेहया हो, मगर कुछ दिन दिमाग जरूर खराब रहेगा तुम्हारा। अब बोलो, है कत्लेआम के नहीं? ठहरो यार, पतलून गिर ही जाएगी शायद, तुमने तो मेरा जिस्म सुखा दिया। असलम मियां, मेरा मतलब है प्यारे मियां, बताओ ना करना क्या होगा? करना क्या होगा? हिम्मत, जाओ और तमीजन का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दो। अम्मा क्या बात करते हो, दरवाजा बंद कर दूंगा तो मैं अंदर कैसे जाऊंगा, वो बाहर कैसे तशरीफ लाएंगी? नहीं नहीं एक बात। ओ, फिर नहीं समझे? अम्मा असलम के लिए कह रहा हूँ, इधर मैं जाता हूँ उसके दिमाग का दरवाजा खोल ले। बोलो तैयार हो? अम्मा ऐसी जगह तैयार हो पूछते हो जहाँ शायदा एंड को का फायदा हो। मैं पहले अपना हुलिया बदलता हूँ, उसके बाद थाने से कुछ कागजात लेता हुआ सीधा वहीं पहुँचता हूँ। अभी तीन पार्ट किए देता हूँ तमीजन का, खुदा हाफिज। मैं बड़ा नादान, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी, ये दोस्तों के मामले ने मुझे उलझावे में डाल दिया। इतना परेशान हुआ कि कहीं से कहीं पहुंच गया, फिर भी मंजिल नहीं दिखाई देती। ये आपकी नहीं, मेरी गलती है। क्या कहती हो बेगम? ठीक ही कहती हूँ, मुझे उस रोज मर्दाने में नहीं जाना चाहिए था। फिर अगर नवाब साहब का सामना हो भी गया था तो ये न बताना चाहिए था कि इससे पहले भी मैंने उनको देखा था, और एक दिन फूल में मैंने उनकी पीठ पे बेत भी मारे थे। इसी चीज ने आपको शक में डाल दिया। आप समझे मुझे कसम देखने आए थे, और मेरा रुझान भी नवाब साहब की। बेगम, तौबा करो तौबा, मैं गड़े में गिरा तो तुमने भी मुझे नजरों से गिरा दिया, तोहीन की है तुमने मेरी और मुझसे ज्यादा मेरे दोस्त की। मैं सच कहती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है, अगर ये परेशानी किसी और वजह से है, आपकी तबीयत कहीं और लग गई है तो उन्हें भी ले आइए, मैं उनकी बहन बनकर रहूंगी और दोनों दिलो जान से आपकी खिदमत करेंगे। बेगम ये बदगुमानी भी दिल से दूर कर दो। हुजूर नवाब साहब तशरीफ लाए। प्यारे मियां बुला लो। हाय अल्लाह। बैठो तुम भी, आज मैं सामना करवाना चाहता हूँ। फिर वो है, छोड़िए मेरा हाथ। मैं कहता हूँ सुनो तो। नहीं छोड़ दीजिए, ये कभी नहीं होगा, खुदा की कसम कयामत तक नहीं। आ जाओ प्यारे मियां। छोड़ दीजिए, आपको हमारी जान की कसम। आ जाइए,
बताइए मेरे सरकार, कौन सी कयामत आ गई है? असलम मियां ने आज तक तुम्हारे यहाँ जो भी लुटाया है, मेरा मतलब है रुपया पैसा वगैरह वगैरह, अभी हाजिर करो। बस इतनी सी बात, काहे को तकलीफ की? किसी से कहलवा भेजा होता, भेज देती। पेश करो फौरन। अभी लाई सरकार। ठीक है ठीक है। लीजिए 10, 20, 30 बस यही है जो पहली बार दे गए थे। उसके बाद? उसके बाद आप आ गए। आपने कहा था लिहाज रहे मेरे दोस्त हैं, मेरी जगह समझना, याद है? याद है। काफी था इतना कहना। कई बार फिर आए, रुपया पैसा देना चाहा, मैंने नजर नहीं उठाई। शराफत ये कि मेरी उंगली तक नहीं छुई। अगर कुछ कहा भी तो ठंडी सांस भरकर सिर्फ इतना, किसी तरह मेरी बीवी को भुलाने में मदद कर सकती हो? मेरी समझ में आज तक ये बात नहीं आई, और ना वो कुछ समझा सके। तुम्हें समझने की जरूरत भी नहीं है। आज से इस घर का दरवाजा असलम मियां के लिए नहीं खुलेगा, समझी? बुलाओ अपनी खाला को। मैं कहती हूँ नहीं खुलेगा, फिर किसी को बुलाने की क्या जरूरत? शैदा जैसे दोस्त की दोस्ती का नाजायज फायदा उठाना चाहते हो? तुम किसी के लिए इतने अंधे हो गए हो असलम, कि तुम्हें खुद अपना रास्ता सुझाई नहीं देता। मुझे रास्ते का रोड़ा समझकर कतराते हो, मुझसे दूर भागना चाहते हो, लेकिन याद रखो कि तुम्हारे जीते जी मैं यूं ही तुम्हारी जिंदगी में हायल रहूंगा। तुम चाहते क्या हो बोलो? मेरा मुंह काला करना चाहते हो? आखिर क्या मतलब है तुम्हारा? वादा भूल गए, मुझे भूल गए, दोस्त और दोस्ती का फर्ज भूल गए। दोस्ती का फर्ज ही अदा करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, कैसे समझाऊं? तुम समझाओगे भी क्या? ये तरीका ही नहीं दोस्ती निभाने का, जिस तरह से तुम निभाने की कोशिश कर रहे हो। असलम, क्यों तबाही चाहते हो अपनी और मेरी? क्या मर्जी है तुम्हारी? शहर छोड़कर चला जाऊं? नहीं प्यारी मियां, नहीं। नहीं तो बैठो इधर और मुझे ये बताओ कि तुम्हें हो क्या गया? ये दीवानों किसी हालत क्यों बना रखी है? ये सब किस्मत का खेल है, मुझे माफ कर दो प्यारी मियां। जो तुम चाहोगे वही हो, अब तुम्हें शिकायत का मौका कभी नहीं। जीते रहो, तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। अच्छा मैं जाता हूँ, तुम फौरन तैयार होके आ जाओ, बहुत से काम रुके हुए हैं, मैं अकेला क्या क्या संभालूंगा। और देखो भाभी जान से कह देना कि उनकी शादी हमने अपने हाथों नेहा शान शौकत से की थी, अब हमारी शादी में उनकी तरफ से कोई कसर बाकी ना रह जाए, समझे? कसर तो बहुत बड़ी बाकी रह जाएगी मेरे दोस्त। आए हाय, ये अपने आप से क्या बातें कर रहे हैं? ओह, तुम? सोच रहा था कल नसीमा की बारात है। और आपके नवाब साहब की थोड़ी है जैसे? नवाब की? उसकी तो आफत आ गई है। जी हाँ, औरतें मर्दों के लिए आफत ही तो होती हैं, जैसे मैं आपके लिए। नवाब साहब बहुत खफा हो रहे थे आप पे। देखो किसी तरह ये शादी रुक सकती है। बस हो गई दोस्ती खत्म? जरा सख्त सुस्त कहा, वो भी आपके भले के लिए, तो दोस्ती छोड़ दुश्मनी पे उतरा, और यहाँ तक के बहन की शादी जिसे खुद आपने तय किया है रोकने पे तुल गए। ये शादी रुकनी ही चाहिए बेगम, वरना दोस्ती के दामन पे धब्बा लग जाएगा। हाय अल्लाह, पागल हुए हैं आप? दोनों तरफ मेहमानों की कितनी भीड़ है, शहर भर में धूम मची है, बड़े बड़े हुक्काम, कलेक्टर, जज वगैरह आए हुए हैं। शादी ब्याह कोई खेल नहीं है। अम्मी जान, अजरा, सलमा, निसरीन सभी आ चुकी हैं। जमीला भाभी नहीं आई,
और ना असलम भाई ही आए। आते होंगे बेटी, शायद पहले नवाब साहब के यहाँ चले गए। जमीला कहती है शादी नहीं रुक सकती, किसी तरह नहीं रुक सकती, रुक सकती है और तुम्हें रोकना होगा, वरना ये दूसरा फरेब होगा उस दोस्त के साथ जिसने तुम्हें दोबारा इज्जत बख्शी, तुम्हारी जान बचाई, आज खुद उसकी जान खतरे में है। माना कि उसने कुल्हाड़ी अपने हाथ से अपने पांव पे मारी है, मगर अनजाने में, ये तुम जानते हो और ये भी जानते हो कि उसके जख्म का मरहम, उसका अनमोल हीरा तुम्हारे पास है। मेरे ही पास है, तो अब जानबूझकर अपनी बहन नसीमा को उसके गले में क्यों डाल रही हो? सकता है वो जमीला के बगैर अपनी जिंदगी किसी तरह सीने पे पत्थर रखकर काट ले, मगर ये शादी, ये जानते हुए कि वो नसीमा से पांव भी दबाने को तैयार नहीं, जिंदगी भर का रोग बन जाएगी उसके लिए। ये शादी नहीं, नवाब की फांसी है। रोक दो ये शादी, रोक दो ये शादी। कैसे रोकूं, कैसे रोकूं? इसका सिर्फ एक ही तरीका है, तुम्हारी मौत, मेरी मौत। तुम्हारे करीबी रिश्तेदार होने की वजह से ये शादी भी टल जाएगी, और तुम्हारे ना होने के बाद जमीला का दूसरा निकाह भी नवाब से तुम्हारी वसीयत के मुताबिक हो सकता। क्या इतने बड़े दोस्त के लिए तुम कुर्बानी दे सकते हो? बेशक। आज शादी है। मैंने कहा जी, आज आपके नवाब साहब और नसीमा बहन की शादी है, चलेगा नहीं? चलने ही की तैयारी कर रहा था जी। अरे तुम भी तो तैयार नहीं हुई बेगम। मैं लीजिए अभी हुई जाती हूँ। बेगम जी, वही शादी वाला जोड़ा पहनना, मैं तुम्हें एक बार फिर दुल्हन के रूप में देखना। हाय अल्लाह, शादी नसीमा की हो रही है और दुल्हन आप मुझे बना रहे हैं। बहस न करो बेगम, वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। जाने से पहले तुम्हें जी भर के देख लूं, सफर आसानी से कट जाएगा। प्यारे मियां। जी अम्मी। अरे बेटे, पसीने पसीने हो रहे हो, जरा दम तो ले लो। क्या करूं अम्मी जान, काम इतना ज्यादा है और मैं अकेला। अरे तो वो तेरे दोस्तों को क्या हुआ? शायदा तो खैर शायदा है ही, मगर असलम को तो आ जाना चाहिए था, उसका भी पता नहीं। बस आता ही होगा अम्मी जान। हाँ आएगा, आना होता तो दो दिन पहले आ जाता वो। तूने क्या क्या नहीं किया उसके लिए, मगर वो इस मौके पर भी तेरा हाथ बटाने को तैयार नहीं। नहीं मेरे दोस्त ऐसे नहीं, जरूर कोई खास बात हो गई होगी। मैं अभी जाता हूँ और असलम को पकड़ के लाता हूँ। तू कहाँ जाएगा, किसी नौकर चाकर से उठे? आज घर से बाहर जाना तेरे लिए अच्छा नहीं। नहीं अभी अभी आता हूँ, बस अभी आए। मैं कहती हूँ तेरा जाना ठीक नहीं। लौट आओ बेटे, बस शुगुनी होगी। अम्मी। हाँ बेटे। जाने क्यों मेरा दिल हौल खा रहा है, जमीला भाभी और असलम भाई जान अभी तक नहीं आए। अल्लाह खैर करे बेटी, मैं अभी किसी को भेजती हूँ। लो भाई हम आ गए, क्या करना है, क्या लेना है, क्या देना है, अभी किए देते हैं। हम बुरे खान नवाब साहब कहाँ है? कुछ नहीं। प्यारे मियाँ, हाँ नवाब साहब। ये तो शायदा की आवाज मालूम होती है। तो वही। अरे गफूरन जी, बेगम साहबा, जाके कन्नू से कह दो कि शायद साहब को अंदर भेज दे, आज मैं इसकी ताजपोशी करूंगी। ताजपोशी? अरे वाह 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 वाह। चुप, शरीफ।
कमाल है, मेहमान यहाँ मौजूद है और दूल्हे मियाँ का पता नहीं है। अमान नवाब साहब किधर हो भाई? बेगम साहब आपको याद फरमा रही है। मुझे? जी। अल्लाह खैर है। चलो आदावर से चची जान। क्यों रे नाला है, तू अब आ रहा है? नहीं तो मैं तो सुबह से काम में मसरूफ हूँ। अरे क्यों झूठ बोलता है, कल से ना तेरा पता है ना असलम का, प्यारे मियाँ उसी को लेने गए। अच्छा? हाँ बेटा, मैंने लाख रोका मगर उसने एक न सुना। जा उसे जल्दी से पकड़ ला। इतनी सी बात, आ गया समझिए। ए, 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 ये गया। बेगम सर ये टीका उस दिन जरा नीचे था। हाँ अल्लाह क्या हो गया है आपको, अब हटाइए भी, वहाँ लोग इंतजार कर रहे होंगे, शाम होने को आ गई। शाम तो रोज ही आती है मगर आज की शाम लखनऊ की सबसे हसीन शाम होगी तुम्हारे लिए। और आपके लिए? मेरे लिए तो ये शाम शामे गरीबा होगी। अरे नौज ऐसा क्यों कहते हैं आप? बस एक शाम तुम्हारी एक शाम हमारी। क्यों रे असलम साहब कहाँ हैं? मियाँ ना जाने उनको आज क्या सूझी है, अपने हाथ से बीवी को दुल्हन बना रहे हैं। है? अब बनी हो दुल्हन। आज बहुत जब से काम ले रही, क्या बात है, खुद ही संवारा खुद ही सजाया, फिर भी पहले की तरह ये न कहा, हाय मार डाला लूट लिया, कयामत आ गई। हाँ बेगम कयामत भी आएगी, मैं लुट जाऊंगा, मिट जाऊंगा तुम्हारे लिए और दुनिया देखेगी। हाय अल्लाह कैसी बातें कर रहे हैं आज बेगम, बस जरा चेहरे पे घूंघट डाल के एक बार फिर उठा दो उसी अंदाज से। सुभान अल्लाह वाकई चौधरी का चाल, प्यारे मियाँ ने ये सबसे बड़ा एहसान किया है मुझे। अरे ये तो असलम की बीवी, ये तो असलम की बीवी है, क्या हुआ? क्या हुआ सुब्रत जी? अरे कुछ बोल भी। मियाँ वो नवाब साहब। नवाब साहब खड़े थे, कुछ देखा कुछ सुना, घबरा के मुझ पे गिरे और बेतहाशा भाग निकले। नवाब साहब यहाँ खड़े थे? जी हाँ बहुत देर से। तो राज खुल ही गया। राज कैसे राज? अरे सुनिए तो, ये शादी,
ये शादी नहीं बर्बादी है। अरे किसकी बर्बादी, कैसी बर्बादी, ये क्या कह रहे हो प्यारे मियां? कुछ सुना तुम लोगों ने, कहता है ये शादी रोक दो। अरे पगले कैसे रोक दो, ये शादी नहीं बर्बादी है, बर्बादी है अम्मी। पागल हो गए। मेरे पाक परवरदिगार, गया था कि तुमसे और तुम्हारी बीवी से पसंद करा। बैठक का दरवाजा खोला, किस्मत खुल गई, या बारगी सामना हो गया। यार आंखें चुंदी आ गई, हाय अल्लाह कहकर वो उस तरफ भागी और इधर में दिल थामे तुम्हारे पास आ गया। तमीजन ने कई बार कहा है कि वो जब भी आते हैं बार बार यही कहते हैं, कोई ऐसी तरकीब बताओ जिससे कि बीवी को भूला रहो। तुम वादा भूल गए, मुझे भूल गए, दोस्त और दोस्ती का फर्ज भूल गए। दोस्ती का फर्ज ही अदा करने की कोशिश कर रहा हूं मेरे दोस्त, कैसे समझाऊं? दिल के बहलाने की सूरत हो गई, अब लाखों में क्या करोड़ों में एक है। देखो देखो कैसी आंखें, दिल और ईमान छीनने वाली, ये नाम, ये नक्शा, या अल्लाह Yeah!
नवाब साहब ने हीरा चाट लिया। क्या हुआ मेरे सरदार? क्या हुआ? यहाँ के दोस्त बाबा मोहब्बतों से आशना, किसी के हो गए अगर रहे उसी के